नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नज़र आज के शुमारे की सुर्खियों पर। ईस्टर पर चर्च पर हमले पर मरियम नवाज ने किया ईसाइयों से हमदर्दी का इजहार। ईद पर लापता बलोचों के लवाहिकीन लगाते रहे अपने प्यारों की रिहाई के लिए गुहार। और पाकिस्तान में पश्तून बलोच सुलबा की बढ़ती अगवाकारी पर गमो गुस्से का गुबार। नाजरीन, आज के शुमारे में आपको पाकिस्तान की हफ्ते भर की तेज रफ्तार और सोशल मीडिया पर छाई अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान में अकलियती फिरकों के खिलाफ बढ़ते जुल्म जब्र की। इसकी ताजा मिसाल ईस्टर के मौके पर पाकिस्तान में अकलियती ईसाइयों के चर्च पर हुए इंसानियत सोज हमले से मंजरे आम पर आई। तश्वीशनाक पहलू ये रहा कि ईस्टर से कबल चर्च पर हमला पाकिस्तान के पंजाब सूबे में किया गया। यही वजह रही कि पंजाब सूबे की वजीर आला मरियम नवाज को ईस्टर पर अकलियती ईसाइयों से हमदर्दी का दिखावा करने के लिए उनकी बस्ती में जाना पड़ा। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अकलियती ईसाइयों के साथ यकजहती के ढोंग के। पंजाब सूबे की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के शेखुपुरा इलाके में अकलियती फिरके ईसाइयों की रिहायशी बस्ती मरियम कॉलोनी का दौरा किया और मसीही बिरादरी के चंद खानदानों की खवातीन और बच्चियों से मुलाकात करके उनके तई हमदर्दी और फराखदिली का मुजाहरा किया। मौका था अकलियती ईसाइयों के त्यौहार ईस्टर का। स्पेशली जो मसीही बरादरी के मेरे भाई बहन बुजुर्ग माएँ बेटियां बच्चे आज यहां मौजूद हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, सबको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी ईस्टर। आज बहुत लोगों ने अपनी तकरीर में कहा कि ये कभी नहीं हुआ कि ईस्टर के मौका पर कोई ऑफिशियल इस तरह आया हो, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ। मैं एक तो आपके साथ ईस्टर की खुशियाँ, आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। ईस्टर के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले के जड़ांवाला इलाके में ब्लास्फेमी के मुबीन इल्जाम में मसीही बिरादरी की बस्तियों पर हुए हमलों पर अफसोस जाहिर किया, क्योंकि इन हमलों में फिरका परस्तों के हुजूम जड़ांवाला समेत पूरे फैसलाबाद जिले में ईसाइयों की रिहायशी बस्तियों और इबादत गाहों पर दिन दहाड़े हमला करते रहे और चर्च में लूटपाट करके उन्हें नजर आतिश करते रहे। यही वजह रही कि अकलती ईसाई फिरके पर फिरका परस्तों के इन हमलों को लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ताहम पाकिस्तान में अकलती फिरकों पर हमले होते रहे। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहां पे अक्सरियत अकलियत सब मिलकर रहें, आपकी इबादत गाहें महफूज हों, आपको अपनी इबादत गाहों में इबादत करने की पूरी आज़ादी हो, आपको वो पूरी प्रोटेक्शन मिले जो आपका हक है, और कोई सिर्फ मज़हब की बुनियाद से पे या अकीदे की बुनियाद पे कोई आपको कोई गुजंद ना पहुंचा सके, तकलीफ ना पहुंचा सके। मेरा ख्वाब है वो पाकिस्तान। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आज सब कुछ बेहतर हो गया है, सब अच्छा हो गया है, सब आइडियल हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये वादा ज़रूर करके जा लूँगी कि अकलियतों की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को, हर हाथ को मैं आहिनी हाथों से रोकूंगी। पाकिस्तान में फिरका परस्तों की जुल्म ज्यादतियों से अजीरन अकलियती ईसाइयों के तई वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से हमदर्दी के दिखावे की असल वजह रही।
ईस्टर से पहले पंजाब सूबे में अकलती ईसाइयों के चर्च को नजर आतिश किया जाना। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के गढ़ रावलपिंडी के गुजर खान कस्बे में ईस्टर से पहले ही चर्च को आग लगा दी गई। हमारे एक और चर्च को जला दिया गया और इस टाइम पे जलाया गया कि ईद थी हमारी और आज चांद रात है, ना ये चांद रात की इबादत कर सके ना ये ईद की इबादत कर सके करे। अब पुलिस भी खामोश है और ना मालूम शख्स पे एफआईआर हुई है और ना मालूम को भी हम जानते हैं कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये पकड़े नहीं जाएंगे और कभी भी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा इस पाकिस्तान में। गुजर खान में चर्च की इंतजामिया की बिल्डिंग माफिया के साथ कहासुनी होने पर ईस्टर से पहले ही रात के अंधेरे में चर्च को आग लगा दी गई। इस जुल्मजदी के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करने के लिए अकलती मसीही बिरादरी की जानिब से गुजर खान में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में ईसाइयों की इबादत गाह में रखे कीमती साजो सामान और नकदी लूट कर चर्च को आग लगाने वाले बासर बिल्डिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। जिस तरह 9 मई के वाकया की इंक्वायरी हुई है और जो किरदार किसी ने भी ये अदा किया है उसको करार वाकया सजा दी जाए। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के मसीही हैं और पाकिस्तान के शहरी हैं। हम शहर गुजर खान वालों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल कोई समझौता नहीं होगा हमारा। हम जहां तक भी अगर हमारा हमें कोई ऐसा इंसाफ ना मिला तो हम फिर एहतजाज भी करेंगे और उसी तरह करेंगे जिस तरह हमारा हक बनता है। ये खुदा का घर है, अगर किसी आदमी का घर जल जाता है वहां पर सारे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये तो खुदा का घर जलाया गया है। इसकी परजोर मजम्मत करता हूं और इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ ईसाई ही नहीं बल्कि हिंदू और सिखों समेत तमाम अकलती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज्यादतियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन तश्वीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान का सबसे तालीम याफ्ता और तरक्की पजीर पंजाब सूबा अकलती फिरकों पर जुल्म जबर में सबसे आगे है। यही वजह रही कि पिछले बरस 11 अगस्त 2023 को पाकिस्तान में पहली बार माइनॉरिटीज डे मनाया गया और इस मौके पर पाकिस्तानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के शहर कराची के अलावा पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ऑल माइनॉरिटीज अलायंस के बैनर तले शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल अकलती फिरकों के रहनुमा और इंसानी हकूक कारकुन पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी पर हुकूमती खामोशी की पुरजोर मजम्मत करते रहे। अब बात पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर दुनिया भर में हो रही शदीद फजीहत की, क्योंकि नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियां अपने बुनियादी इंसानी हुकूक की मांग कर रहे शहरियों को जबरन अगवा कर रही हैं और उन्हें बरसों लापता रखकर खुफिया टॉर्चर सेल में माबराए अदालत कत्ल कर रही हैं। यही वजह रही कि हज़्बे दस्तूर ईद के मौके पर लापता बलोचों की रिहाई के लिए मुतासिरा खानदानों ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में ईद उल फितर पर अपने अगवा शुदा वालिद से मिलने की लर्जा खेज फरियाद किसी एक लापता बलोच की मासूम बच्ची ही नहीं बल्कि हजारों अगवा शुदा लापता बलोचों के लवायकीन करते रहे।
ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में ईद उल फित्र के मौके पर लापता बलोचों के लवाइकीन की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के ये इंसानियत सोज मनाजिर देख कर खुद ब खुद वाजी हो जाती है। इंसानी हकूक कारकुनों के हमरा इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज, लापता बलोचों के लवाइकीन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत से अपने बरसों से गुमशुदा प्यारों की रिहाई के लिए चीख पुकार करते रहे। कब तक बलोचिस्तान इस अजियत को बर्दाश्त करता रहेगा? हर बलोच को ये जख्म दिया जा रहा है, आए दिन हमें ये जख्म दिया जा रहा है। हम पे खुदारा ये जुल्म बंद कर दे, एक ऐसे सजा के दिए, एक ऐसे जुर्म के दिए जो उसने किया ही नहीं हो। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालतों में लाए। हम कमजोर नहीं है, बल्कि कमजोर तो ये रियासत है जो अपने ही हाथों बर्बाद हो रही है। कमजोर ये अदलिया है जो सुप्रीमेसी का दावा करने के बाद भी चंद ताकतवर लोगों के सामने बेबस है, जो आज तक किसी एक गुमशुदा शख्स को मंजर आम पर न ला सकी, जो आज तक कत्ल व गारत गिरी में मुलविस किसी एक मुजरिम को भी सामने न ला सकी। इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च के बाद धरने पर बैठी लापता बलोचों की माँ बहनों ने बताया कि उन्हें बार बार इस्लामाबाद आने का शौक नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि वो बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करके थक चुकी हैं। लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की मुतवाजी हुकूमत होने की वजह से उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुनता। जबर को जस्टिफाई किया जाता है जुल्म, और जब को पूरी रियासत अपनी मशीनरी के साथ जो है ना बलोच नसल कुशी को छुपाने की कोशिश कर रही है। बलोचिस्तान में एक भी मीडिया चैनल नहीं है, बलोचिस्तान के एक दारुल हुकूमत क्वेटा है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहाँ कोई मीडिया चैनल हमें रिकॉर्ड नहीं करता है। वहाँ पर आपके इतने बड़े बड़े जो आप ये माइक्स और कैमरे उठा के लाते हो ना, वहाँ पे कोई नहीं आता है, ठीक है ना। बलोचिस्तान की दूर दराज इलाकों में जब आपके FC जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके FC ने ओशाद में दो बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलोचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जो जिसने तुर्बत देखा है, जिसने उशाद देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानी से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है। उस बलूचिस्तान को देखने की आप में जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप, मुझे यकीन है अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपकी आंखें शर्म से डूब मरनी चाहिए। लापता बलोचों की माँ और बहनें ही नहीं बल्कि दीगर रिश्तेदारों की जानिब से भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ईद उल फित्र से कबल ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान में मनक़दा एहतजाजी मुजाहरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के अजियत खानों में कैद तमाम लापता बलोचों की फिलफौर बाजियाबी के मुतालबात किए गए। यही आपका किरदार रहा है, चाहे बांग्लादेश में हमने देखा है, वहां पर भी आपने यही किरदार रखा और यहां पर भी आज आपका वही किरदार है जो आप बलोच नस्ल खुशी कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि जो काम अब रियासत पाकिस्तान ने शुरू किया है बलोचों के साथ, बलोच खवातीन को लापता करना, तो ये अब ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। ना ये रियासत ज्यादा दिन चल सकेगी, ना ये जबर ज्यादा दिन चल सकेगा। हम कब तक इस मुल्क पे कुरान के नाम पे, रसूल के नाम पे जर्दलों के साथ बैठकर दावते खाते हैं और बाद में कहते हैं हमारा मसला हल है, आज के बाद कोई बलोच नहीं उठाया जाएगा। मेरे भाई कोई तो बताओ, 10 दिन पहले भी उठाया गया, 10 दिन पहले भी शहीद किया गया, कल भी शहीद किए गए, आज भी शहीद किए गए। ये क्या है? इसे तो पाकिस्तान मत कहो, इसे याहिस्तान कहो, जहां इंसानों के साथ इंसानों का सलूक नहीं हो रहा है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे?
زمینی سچائی یہ ہے کہ 1948 میں پاکستان نے قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر فوجی حملہ کر کے جبرن قبضہ جمایا، اور تبھی سے بلوچستان پر قابض پاکستان کی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں بلوچ قدرتی وسائل لوٹ رہی ہیں۔ لیکن اب تو پاکستانی حکمرانوں نے سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کی آڑ میں چین کو بلوچستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ میں شریک کر لیا ہے۔ تبھی تو پاکستان اور چین کے ناپاک منصوبوں کے خلاف بلوچستان میں اٹھ رہی آواز کو دبانے کے لیے بلوچوں کی نسل کشی کی سازشیں تیز ہو گئی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت بلوچوں کو جبرن اغوا کیا جا رہا ہے اور انہیں خفیہ اذیت خانوں میں ماورائے عدالت قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں تاکہ بلوچوں میں خوف و دہشت بڑھائی جا سکے۔ لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتی ریاستی ظلم و زیادتیوں کے خلاف بلوچوں نے بھی اب باغی تیور اختیار کر لیے ہیں، اور وہ اپنے مادر وطن بلوچستان کو پاکستانی چنگل سے آزاد کرانے کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم کر چکے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں بلوچ پشتون طلبا کی بڑھتی اغواکاری پر رنج و غم کا اظہار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں میں مسلسل خوفناک حملے کروا رہی ہیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کے خوزدار شہر کو بم دھماکے سے دہلا دیا گیا۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ خوزدار میں عمر فاروق چوک پر واقع بازار میں یہ بم دھماکہ اس وقت کیا گیا جب مقامی بلوچ خاندان عید کی خریداری کر رہے تھے۔ موقع پر پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے فوری تفتیش میں دھماکہ خیز مادے سے بھری موٹر سائیکل کو ریموٹ کنٹرول سے اڑا کر بم دھماکہ کرنے کی تصدیق کی، اور اس بم دھماکے میں جاں بحق تین بلوچوں کی لاشوں اور آدھا درجن سے زیادہ زخمی افراد کو خوزدار کے ٹیچنگ اسپتال میں منتقل کرنے کی بات کہی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس ایکسلنس ایوارڈ 2024 پر اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہانہ تنخواہیں دینے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے معاشی حالت کو پٹری پر لانا ناممکن ہے، اس لیے پاکستان میں ٹیکس نیٹ کا دائرہ اور برآمدگی کو بڑھانا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے زیادہ ٹیکس دینے والے پاکستانی صنعتکاروں اور کاروباریوں کو بلو پاسپورٹ اور اعزازی سفیر کے خطابات سے نوازنے کا اعلان بھی کیا۔ اس تقریب سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ شہریوں کو انکم ٹیکس پیئرز بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو ترجیح دینے کی اشد ضرورت بتائی۔ دیوالیپن سے دو چار پاکستان کی معیشت آئی سی یو میں آخری سانسیں لے رہی ہے۔ پاکستان میں مالی گھوٹالوں کے دستور کے سبب قومی خزانہ خالی ہو چکا ہے۔ ان مشکل حالات میں پاکستان میں برسر اقتدار آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت آئی ایم ایف سے نئے قرضے لینے کے لیے گڑ گڑا رہی ہے، کیونکہ پاکستانی حکومت بیشتر سرکاری محکموں کے ملازمین کو ماہانہ تنخواہیں اور پینشن تک نہیں دے پا رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان سمیت دیگر صوبوں کے سرکاری ملازمین گزشتہ چار مہینوں سے تنخواہیں اور پینشن نہ دیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرتے رہے، اور عید کے موقع پر تنخواہیں نہ ملنے پر پاکستانی حکمرانوں کو شرمسار کرنے کے لیے عجیب و غریب حربے اختیار کرتے رہے۔ دیوالیہ پن سے دو چار پاکستان میں برسر اقدار وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ بیشتر سرکاری اداروں کو فروخت کرنے کا فیصلہ لے چکی ہے۔ اس سلسلے میں سر فہرست سرکاری ادارہ ہے پی آئی اے، یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز،
हुकूमत ये वजाहत दे रही है कि माली बदहाली में बरसों से खसारे में चल रहे पीआईए के मुलाजमीन को तनख्वाहें देना दुश्वार हो गया है, लेकिन पीआईए के मुलाजमीन का मौकफ है कि मुनाफा बख्श इदारे को उन्होंने नहीं बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम की माली बेजाब्तगियों ने बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया। इसलिए हुकूमती बदनवानियों की सजा बेगुना मुलाजमीन को देकर हजारों खानदानों को रोजी रोटी से महरूम करना नाइंसाफी है। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद बात पाकिस्तान के पंजाब सूबे में बलोच और पश्तून तुलबा की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात की। पाकिस्तानी फौज की जानिब से पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर की यूनिवर्सिटी से तो बलोच पश्तून तुलबा की अगवाकारी के हकायक सोशल मीडिया पर मंजरेआम पर आते रहे, लेकिन अब पंजाब सूबे के सरगोधा शहर में मेडिकल कॉलेज से बलोच तालिब इल्म की अगवाकारी पर गमो गुस्से का इजहार करने के लिए बलोचिस्तान के तुर्बत प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग को लेकर तो हाहाकार मच ही रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इख्तदार पर कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को मुसल्लत करके पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने अब पंजाब सूबे की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और आला तालीमी इदारों में जेर तालीम बलोच तलबा तक की अगवाकारी बेहद तेज कर दी है। ये सच्चाई लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से सादा लिबास फौजी अहलकारों की जानिब से दर्जनों बलोच और पश्तून तलबा की जबरन अगवाकारी के इंसानियत सोज मनाजिर से मंजरेआम पर आ चुकी है। लेकिन अब पंजाब सूबे के सरगोधा शहर में मेडिकल कॉलेज से एक बलोच तालिब इल्म की अगवाकारी के वाक़े पर मुतासर खानदान और इंसानी हकूक कारकुनों ने यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। आज हम आपको बलूचिस्तान की सरजमीन पे लाकानूनियत के दलदल में फंसे एक और खानदान की आवाज बनने के लिए नजबस्ता है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुदादाद वर्द सराज की फैमिली की जानिब से की जा रही है। आप सबको पता है कि गुज़िश्ता 5 अरसों से इस रियासत में बतौर महकूम कौम बलूच एक ऐसे मसले से दोचार है जो आज हमारे समाज को ज़हनी तौर पर मफलूज कर चुकी है। बलूचिस्तान का ये मसला अब तक एक कौमी मसला बन चुका है और यही मसला आज हमें भी प्रेस क्लब और सड़कों पर ला चुकी है। गुज़िश्ता वर्दे सराज करकी तेजाबान केज के रिहायशी हैं। पिछले 3 सालों से वो सरगोधा मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा है। हम बतौर बलोच इस दर्द से आशना थे कि खानदान के किसी रुकन का लापता होना किस तरह तकलीफ दे है। अलबत्ता हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम भी इसी गम से दो चार होंगे। 8 मार्च 2024 को शब 8:35 पर बमकाम जफरुल्ला चौक सरगोधा पंजाब से खुदादाद सराज को सादा वर्दी में मलबूस अफराद जबरी तौर पे अपने हमरा ले जाते हैं। अब हम भी इन हजारों अफराद का हिस्सा बन चुके जो सालों से अपनों के लिए दरबदर हैं। इस बात पे हमें कोई का कायल नहीं कर पाता कि किसी जबरी गुमशुदा का ख्याल मरे होने से ज्यादा कर्बनाक है, मगर आज ये चीज हम अमली तौर पर देख चुके हैं तो हम कहते हैं कि शायद इस दर्द से बढ़कर किसी के जिंदगी में कोई दर्द नहीं है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक दर्द है बल्कि इसके साथ होलनाक इंतजार का एक किस्सा शुरू हो जाता है जहां लम्हे लम्हे पे ऐसे ख्यालात आते हैं जो आपको हजारों दफा मरने का एहसास दिलाती हैं। आज हुदादात की जबरी गुमशुदगी से हमारा खानदान जिस कर्ब से गुजर रहा है हम इस दर्द को बयान करना मुमकिन नहीं। हुदादात सिराज की बाजियाबी के लिए हमने 14 मार्च को एहतजाजन सीपेक शाहरा बंद कर दी तो हमें इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा, मगर शायद इन अफराद के लिए ये काम
ऐसा काम है जिसे तहखानों की नजर करना कोई मसला नहीं, जबकि हमें मालूम है कि एक एक लम्हा जिंदगी कितनी दर्दनाक है। दूसरी मरतबा 20 मार्च को माह रमजान में 3 रोज तक हम रोड बंद करके बैठे रहे, मगर पहले की तरह इस बार भी जालिमों को ना ही तरस आया और ना ही इस मसले को हल करने में संजीदा दिखाई दिए। मुसाफिरों की परेशान हाली को देखकर हम एक मरतबा फिर इंतजार करने घरों को लौट गए, मगर कोई हाल ना मिलने पर आज फिर रियासत का किरदार अदा करने की याद दहानी करने पहुंच चुके हैं। नाजरीन, आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।